तो हे गाइस, आज के मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस से। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फेवरेट्स पोकेमोन के बारे में जो कि हमेशा के हमेशा मतलब बहुत से लोगों के पसंदीदा पोकेमोन में से एक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यार चैनल पे नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर देना क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और बिना किसी तरीके की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा ऐसे बहुत से पोकेमोन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वहीं मैंने उन्हीं टॉप 10 पोकेमोन को मैंने अपनी लिस्ट में डाला है। सो जहाँ पे पहले नंबर आ जाता है जिसका नाम है मिमिक्यू। मिमिक्यू एक भाई घोस्ट टाइप पोकेमोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लगता है और इतना ज़्यादा स्केरी नहीं होता। एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे मिमिक्यू को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और उसके साथ साथ पसंद तो किया जाता था और साथ ही इतना ज़्यादा वो डेंजरस पोकेमोन भी था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया। और ये मिमिक्यू भाई काफ़ी हद तक एक पिकाचू जैसा दिखता था और साथ ही लोगों को पसंद भी करते थे। टॉप 9 पे आ जाता है भाई ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट भी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा पोकेमोन में से एक है जहाँ पे सबसे पहले भाई जो एस था वो टॉसलिया टाउन से एक जहाँ पे ट्रैवल कर रहा था वहीं भाई आइरिस को दिखता है ड्रैगनाइट, जहाँ पे इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होती है और तब से ड्रैगनाइट को एक काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय मतलब फेवरेट पोकेमोन में से एक मानने लग गए क्योंकि भाई साथ साथ ये ड्रैगन मूव्स और ऐसे बहुत से तगड़े तगड़े मूव्स कर सकता था जो कि सामने वाले अपोनेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगले पोकेमोन का नाम है भाई गेंगार। गेंगार आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन में से एक क्योंकि एक घोस्ट टाइप होने के साथ साथ जो इसका जिगेंटा मैक्सिस मतलब मेगा इवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में मतलब प्रसिद्ध है और फेवरेट भी है। और साथ ही जो उसके साइड के मूव्स हैं और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भाई एक ट्रेनर को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है उसकी तरफ, भाई एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है भाई गेंगार। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बताना कि गेंगार तुम्हें कैसा लगता है, कमेंट करके बताओ। अभी अगले पोकेमोन का नाम आ जाता है भाई एम्ब्रियन। एम्ब्रियन आप सभी को जैसे कि पता होगा, देखो ईवी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट पोकेमोन में से एक है पर जो इसका ईवी का जो इवोल्यूशन बन जाता है जो कि एम्ब्रियन है वो 197 नंबर पे आता है जो कि टॉप मतलब जितने भी पोकेमोन हो जाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद और लोकप्रिय पोकेमोन में से एक है। बहुत से लोग भाई इसे मतलब इसके लुक को देख के काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक मून टाइप का दिखता है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक देता है और साथ ही जो इसके भाई फाइटिंग स्किल्स है वो भी ज़्यादातर लोग भाई पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट पोकेमोन का नाम है भाई ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा आप सभी को पता होगा एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन में से एक जो कि इसकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा ऐश के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब देखो जो ग्रीनिंजा का एक मतलब जो लेवल है वो कि 658 पोकेमोन में है। अब इसके बाद जो पोकेमोन आते हैं वो थोड़े इससे बेहतर नहीं है। एक मुझे काफ़ी हद तक भाई ग्रीनिंजा पसंद है क्योंकि जो इसकी भाई पीछे की हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो ऐश के साथ जो इसकी जर्नी है यार क्या ही बोलूँ मतलब। और वहीं अगले पोकेमोन का नाम आ जाता है जो कि है ईवी, जो की शुरुआत मैंने बताया एम्ब्रियन और वहीं ईवी। भाई ईवी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पोकेमोन में से एक है और काफ़ी ज़्यादा फेवरेट भी है और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रशंसक पोकेमोन जिसे कहें वो है। अब देखो जहाँ पर शुरुआत में भाई गैरी के पास ईवी थी और एक जहाँ पे सामने ऐश के साथ पिकाचू था, अब दोनों के साथ एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल हुई और बैटल में भाई पिकाचू हार गया था क्योंकि जहाँ पे गैरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी ईवी को और इसी वजह से भाई इसके जो स्किल्स है और जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बंदों में पसंदीदा है। अगले पोकेमोन का नाम आ जाता है जो कि है म्यूटू। म्यूटू आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन के होने के साथ साथ एक लेजेंडरी पोकेमोन भी हो जाता है जहाँ पे भाई इसका नेशनल एक पॉकेटडेक्स में नंबर होता है जो कि इसका नंबर है 150। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब एक टॉप लेवल का पोकेमोन है। अब जानते हो भाई इससे इतनी आसानी से कोई पोकेमोन भिड़ नहीं सकता, अब भिड़ भी गया इजीली हार जाएगा क्योंकि जो इसकी साइकिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं जहाँ पे अगले पोकेमोन का नाम आ जाता है जो कि है लुकारियो। भाई लुकारियो भी नाम सुन के आपको ऐसे ही लगेगा जहाँ पे ऐश और लुकारियो की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब टीम थी, यहाँ पे इन लोगों ने भाई काफ़ी अच्छे अच्छे बैटल और वैसे बहुत से टूर्नामेंट जीते। अब देखो जहाँ पे लुकारियो का नेशनल पोकेडेक्स नंबर आ जाता है 378, एक काफ़ी ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा ग्राउंड नहीं है, पर भाई देखो जो ग्रीनिंजा है उसका थोड़ा ज़्यादा है और इसका कम है। अब मुझे नहीं पता भाई कौन सा सही रहेगा पर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई लुकारियो, काफ़ी हद तक एक डॉग टाइप का कुछ दिखता है और इसके साथ जो इसकी बीम है और मतलब जितने भी अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। तुम अभी कमेंट करके बताओ यार तुम्हें कौन सा पोकेमोन सबसे ज़्यादा पसंद है। अब देखो जैसे कि आप सभी को पता होगा भाई अगला पोकेमोन है पिकाचू। अब देखो पिकाचू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इसका जो नेशनल पोकेडेक्स नंबर आ जाता है वो कि 25, भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा जहाँ पे भाई ऐश और पिकाचू एक ही साथ जर्नी में साथ ही चलते हैं और भाई जहाँ पे हर चीज़ में पिकाचू
सबसे आगे रहता है, और इसके साथ साथ पिकाचू की काफी ज्यादा बढ़िया मतलब ट्रेनिंग हो चुकी है। मुझे इसका काफी ज्यादा मूव पता है कौन सा पसंद है, जो कि इसकी आयरन टेल, वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। अगले पोकेमोन का नाम आ जाता है जो कि भाई चारिज़ार्ड है। भाई इसकी बात ही अलग है, इसकी भैया एक अलग ही हिस्ट्री है। यहाँ पे शुरुआत में आप सभी को पता होगा कि 4 बिलियन इसकी बात नहीं मानता था, जहाँ पे एक घाटी की जाने के बाद भाई 4 मिनट मतलब चारिज़ार्ड था काफ़ी बढ़िया हो गया, जहाँ पे ऐसे बहुत से जहाँ पे पोकेमोन और ट्रेनर्स थे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया गए थे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई पसंद भी आया चारिज़ार्ड। सो भाई यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो चुकी है यार, वीडियो में मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यार रुको, जाने से पहले यार हमारा अभी तक इंस्टाग्राम चेकआउट नहीं कराया तो जाके अभी कभी चेकआउट करो और फॉलो करो, वहीं पर हम ऐसी अपडेट न्यूज़ मिलती रहती है। तब तक